अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। आपने एक बात अपने जो कमिश्नर और राज्य सरकार को आपने लिखी है कि जो ये बच्चे हैं, खासकर जो स्लम इलाके हैं या जो सामान्य इलाका है जिनके गरीब घरों के जो बच्चे हैं जो महानगर पालिका स्कूलों में आते हैं, उनमें अधिकांश की संख्या इसलिए ज़्यादा होती है ऐसे विद्यालयों में आने की महानगर पालिका में, क्योंकि वो मिड डे मील के चक्कर में आते हैं। पेरेंट्स इसलिए थोड़े से बच्चों को भेजते हैं कि कम से कम एक या दो वक्त का उनको खाना मिलेगा, तो पढ़ाई भी हो जाएगी फ्री में और बच्चों को भोजन भी मिल जाएगा। ऐसी कंडीशन में जब स्कूल बंद हैं तो आप क्या सोच रहे हैं कि ये जो व्यवस्था है इसे फिर से प्रारंभ करनी चाहिए? आपने इसकी डिमांड भी की है। मैंने तो म्यूनसिपल कमिश्नर को चिट्ठी लिखी 17 तारीख को, 17 मई को मैंने चिट्ठी, 17 जून को मैंने चिट्ठी लिखी, खुद मैंने जाके मिला और उनको उसके बाद में राज्य सरकार का 4 दिन के बाद में आया हुआ परिपत्रक भी दिखाया कि राज्य सरकार ने उसने लिखा है कि आप स्थानीय जो पेरेंट्स कमेटी होती है उनको साथ में लेके स्कूल में मिड डे मील का जो भी है वो डिस्ट्रीब्यूट करो, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार की हमें कोई भी ये दिखाई नहीं दे रही है, तैयारी दिखाई नहीं दे रही है और ना किसी ने दिया है। मैं आपको यही कहता हूँ कि यहाँ सरकार कहती है कि हम आपको ये दे रहे वो दे रहे, क्या दे रहे हैं उसके ऊपर वो जायजा लेने के लिए किसी को नियुक्त किया है क्या? ये किसी का जायजा नहीं लेता है। मैंने तो जाके म्यूनसिपल कमिश्नर से ये भी कहा था, कमिश्नर साहब जिस प्रकार से हम स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं और एक क्षेत्र का एक क्षेत्रीय आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नियुक्त करते हो, वार्ड ऑफिसर है उनके अगेंस्ट ऐसा है, ये सारे लोगों को काम पे लगाइए और उन लोगों को आप देखो हैंड वॉश स्टेशन होने चाहिए, शौचालय में जाके दीजिए, शौचालय में पानी नहीं मिलेगा आपको, तो कैसे आप कोरोना से हाथ धोएंगे मुझे बताइए ना। कोरोना से नहीं, जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे आप। इसलिए आपको या तो इसके बारे में कोई सीरियसनेस नहीं है तो लॉकडाउन खोल दो, अगर सीरियसनेस है तो जो सुझाव हम दे रहे हैं उस सुझाव के ऊपर गौर करो और उस सुझाव के ऊपर गौर करने के बाद में हम आपको कहते हैं कि 15 दिन में ही ये कोरोना हमारा देश छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन हम नहीं चाहते। इसमें कई मेडिकल स्कैम मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, हमने तो कई यहाँ देखे, जो गरीब आदमी होता है उसको हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए ना एम्बुलेंस मिलती है, ना हॉस्पिटल मिलता है, ना खाट मिलती है। हर आदमी बोलता है तुम्हें कोरोना हुआ है क्या, नहीं हुआ है तो तलाश करो, अगर तलाश करने जाएंगे तो म्यूनसिपैलिटी में तलाश करने के लिए कोई चिट्ठी नहीं देता है, निजी में करो तो पैसा लगता है, यानी कि यहाँ जाओ तो कुआं, वहाँ जाओ तो अरे, इस प्रकार की परिस्थिति हमारे सामने है। इसलिए शिक्षा शायद ही उन 2020 में बच्चों को मिल पाएगी जिन बच्चों को आपने आगे ये किया है। मैं तो इतना कहता हूँ कि एक पूरी पीढ़ी आपने इस साल में बर्बाद की है, जितने लोग फिजिकली मरेंगे उससे ज़्यादा लोग सोशली और इकोनॉमिकली मर जाएंगे, ये मैं दावे के साथ आज कहता हूँ।